पूर्णिया पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जहां 24 घंटे के अंदर बाल सुरक्षा गृह में हुई हत्या की घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड पूर्व हाउस फादर अमर कुमार झा को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मामले में पूर्णिया एसपी विशाल शर्मा ने बताया कि बाल गृह दोहरे हत्याकांड में मृतक सरोज कुमार के बयान पर ही अमर कुमार झा को नौकरी से निकाला गया था, जिसका बदला लेने के उद्देश्य से अमर कुमार झा कई दिनों से योजना बना रहा था। पूर्णिया पुलिस द्वारा मोबाइल कॉल डिटेल्स और लोकेशन के आधार पर षड्यंत्रकर्ता को गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी ओर गोलीकांड के दिन बाल गृह से फरार सभी आरोपियों को सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है। वहीं इस घटना के बाद सभी आरोपियों के द्वारा प्रयुक्त इनोवा गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। 19 तारीख को जो ऑब्जर्वेशन होम में घटना घटी थी, जिसमें वहां पे जो 5 बाल कैदी थे, उनके द्वारा एक वहां पे अन्य बाल कैदी की एवं जो हाउस फादर थे उनकी हत्या कर ली गई थी, उस मामले को पूर्णिया पुलिस के द्वारा पूर्ण रूप से सुलझाया गया है। उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन के क्रम में बात सामने आई है, जो वहाँ पे पूर्व का हाउस फादर था अमर नाम से, जो एक अन्य बाल कैदी की हत्या की गई सरोज कुमार, उस सरोज कुमार के द्वारा इस अमर के अगेंस्ट में और जो ये अन्य बाल कैदी थे जिनके द्वारा हत्या की गई है, उसके अमर के अगेंस्ट में और उन बाल कैदियों के अगेंस्ट में आवेदन दिया गया था। ये अमर कुमार जो पूर्व हाउस फादर था, उन बाल कैदियों को स्पेशल एक्सेस प्रोवाइड करता था, सामान लाने ले जाने की सहूलियत देता था और अक्सर बाहर ले जाने में मदद करता था, बाहर भी ले जाने देता था। उसी क्रम में उसे क्षुब्ध होकर इस कंप्लेंट के आधार पर उस पर जाँच हुई थी, जाँच के क्रम में उसको टर्मिनेट कर दिया गया था। उसी घटनाक्रम से वो क्षुब्ध था और काफ़ी समय से प्लॉटिंग कर रहा था कि कैसे इन लोग से रिवेंज लिया जाए। तो उसी के तहत, क्योंकि ये पहले से ये लड़के जो है उसके खेमे के तहत और उसको ये स्पेशल फैसिलिटीज और एक्सेस वगैरह प्रोवाइड करता था जब ये वहाँ पर था, तो उनके माध्यम से इसने प्लॉटिंग करी और जिस लड़के ने इसके अगेंस्ट में कंप्लेन करी थी उस लड़के को और जो इसके स्थान पे फिर आ गए थे वहाँ पर हाउस फादर, उन दोनों की हत्या का उसने पूरा षड्यंत्र रचा। और क्योंकि वो सिस्टम के अंदर का आदमी था तो उसको सिस्टम के नुआंसेस पता थे कि कैसे घटना को किया जा सकता है, कैसे सामान और अन्य संसाधन को अंदर पहुंचाया जा सकता है, तो उसके द्वारा मदद करते हुए इन लोगों को अंदर हथियार पहुंचवाए गए और घटना के बाद उसका भागने की भी व्यवस्था की गई, जिसके लिए गाड़ी जिसको हम लोग ने आइडेंटिफाई कर लिया है इनोवा गाड़ी थी, उसका भी प्रबंध किया गया और जिसके माध्यम से प्रबंध किया गया उस लड़के को भी पुलिस ने आइडेंटिफाई कर लिया है। कंटिन्यूसली जिस लड़के के द्वारा इसमें फायरिंग की गई और हत्या की गई उसको मोबाइल फ़ोन का एक्सेस था। घटना के दिन भी 19 तारीख को कंटिन्यूसली वो लड़का जो है इस पूर्व गृह पिता से अमर से फ़ोन पे टच में था, लगभग 9-10 बार उसकी दिन भर में बात हुई और भागने के बाद जो उस लड़के की अंतिम लोकेशन थी वहाँ पे वो गृह पिता स्वयं भी मौजूद था। तो इस प्रकार से तकनीकी साक्ष्य के माध्यम से पुलिस इन तक पहुँची और फिर मटीरियल एविडेंस के रूप में पुलिस ने ये भी संकलित किया, जिसमें ये कंप्लेन है वही जो सरोज के द्वारा उस फादर के अगेंस्ट में लिख के दी गई थी, जो कि 22/6/18 को लिखी गई थी। इसी कंप्लेंट की जांच के आधार पर उसको टर्मिनेट किया गया था। तो इसी से शुभ होकर के उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और रच के ये घटनाक्रम करवाया और ये स्वयं भी भाग रहा था, इसकी हम लोग ने क्योंकि हम लोग को टेक्निकल लीड मिली हुई थी, इसको भागने के क्रम में ही पकड़ा गया। वो बाकी लड़के तो पहले भाग गए थे, इसके द्वारा बताया गया कि सब लोग नेपाल चले गए हैं, पुलिस के द्वारा नेपाल पुलिस से भी पूर्णिया पुलिस के द्वारा नेपाल पुलिस से भी सहयोग प्राप्त किया जा रहा है और वो लड़के इसके द्वारा बताया गया वर्तमान में नेपाल में और स्वयं भी उसी रूट पे था। ये पुलिस के द्वारा उस टेक्निकल लीड को चेस करते हुए Hey.